जब मैं इस भाषण के बारे में सोच रहा था तो मुझे मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात होगी होगी, क्योंकि लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल अंबेडकर जी का था। तो अंबेडकर जी गांधी जी का भी डिस्कशन होगा। और फिर मुझे वो अंबेडकर जी के तीन शब्द याद आए, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। और मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी ने जब ये शब्द लिखे या बोले तो उसके पीछे सोच होगी। और मेरे दिमाग में सवाल होगा कि इन शब्दों का जो ऑर्डर है, सबसे पहले एजुकेट, उसके बाद में एजिटेट और उसके बाद में ऑर्गेनाइज। मतलब अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, और एजुकेट का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल और कॉलेज चले गए, एजुकेट का मतलब कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे हो, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हो, जो फोर्सेस चल रही हैं, जो शक्तियां घूम रही हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ रहे हो। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग एक्यूरेटली कह रहे हो। उसके बाद ही एजिटेशन हो सकता है। उसके पहले अगर एजिटेशन शुरू हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस एजिटेशन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। और फिर आपने बिना ऑर्गेनाइजेशन के एजिटेट कर दिया तो वो जो एजिटेशन है उसका जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसमें एक लॉजिक है। और फिर मैं सोच रहा था, जिसको आजकल मैं 90% कहता हूं, उसमें आप दलित वर्ग जोड़ दीजिए, उसमें आप ओबीसी वर्ग जोड़ दीजिए, आदिवासी वर्ग जोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज जोड़ दीजिए, और उसमें अगर आप और ऐड करना चाहते हैं उसमें आप 5% गरीब जनरल क्लास भी जोड़ दीजिए, पूरा ऐड करेंगे तो 95%। और मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटा था, मैंने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किया, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदुस्तान के बाहर किया, मगर स्कूल मेरा एजुकेशन पूरा हिंदुस्तान में। और मैं सोच रहा था कि स्कूल एजुकेशन में मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में, दलितों के बारे में कितनी किताबें पढ़ने को मिली, कितने चैप्टर्स थे। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आज 15% है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है, मगर एजुकेशन सिस्टम में 3 लाइन, 5 लाइन, 20 लाइन। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कम्युनिटी को देखें तो अभी आए जिन्होंने मुझे मूर्ति दी, जैसे ही मैंने उनका हाथ मिलाया, अभी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप, कहां है
स्वप्निल कुमार जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? चले गए पीछे क्यों? उनको आगे लाइए ना। देखो यही है, पीछे कर दिया। जो हाथ से काम करता है वो पीछे है। तो जैसे ही मैंने इनका हाथ मिलाया, कॉन्टैक्ट होते ही मुझे पता लग गया कि इस हाथ में हुनर है। अब आप देखिए, जिसके हाथ में हुनर है उसको पीछे बैठा दिया। और ये हिंदुस्तान में 24 घंटा हो रहा है, 24 घंटा। जिसके हाथ में स्किल है, जिसके हाथ में कैपेबिलिटी है, जिसके हाथ में एक्सपीरियंस है, चाहे उसे आप नाई कहें, मोची कहें, कारीगर कहें, फैक्ट्री में वर्कर कहें, जिसके हाथ में हुनर है, उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या उनको सहना पड़ा, वो तो है ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता नहीं शायद आपने स्कूलों में पढ़ा हो। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी, और आज तो उल्टा हो रहा है। आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है। और हिस्ट्री के बिना अपनी स्पेस को पहचाने बिना, अपनी लोकेशन को समझे बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर सवाल उठना चाहिए कि ठीक है भाई, एजुकेशन सिस्टम में किसका कंट्रोल है? आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आज पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो रहा है। गरीब बच्चे को डॉक्टर बनना हो, लॉयर बनना हो, ठीक है वो सपना देख सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों बच्चों से, क्या हुआ? हजारों बच्चों से मिला, सब कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। और जब मैं इनसे बात कर रहा था, मैं मेरे माइंड में क्या था कि मेरा देश इनसे झूठ बोल रहा है। इंजीनियर कितने लोग बनेंगे, डॉक्टर कितने बनेंगे? 2%, 3%, 5%, 7%, 90% तो नहीं बन सकते। बट हर रोज हमारे बच्चों को कहा जाता है कि भैया इंजीनियर बनने का सपना देखो, डॉक्टर बनने का सपना देखो, लॉयर बनने का सपना देखो। और फिर उनके माता पिता से कहा जाता है ठीक है भैया, अब आप 10 लाख रुपए निकालो, 15 लाख रुपए निकालो, 20 लाख रुपए निकालो, 1 करोड़ रुपए निकालो, 2 करोड़ रुपए निकालो। दे ही नहीं पाते। तो आपने इमेजिनेशन को दबा दिया, हिस्ट्री को दबा दिया, और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आप एंट्री नहीं देते। और फिर लोग कहते हैं कि भैया सुपर पावर बनेगा। कहां से सुपर पावर बनेगा? 90% तो गेम ही नहीं खेल रहा है, 90% बाहर बैठा हुआ है, 5% लोग चला रहे हैं। अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं, मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई
मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है। 15 मिनट में पता लग जाएगा रास्ता बंद है। और एक तरफ से बंद नहीं है, मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने चक्रव्यूह की बात की थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है। अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था, नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है, पद्म लोटस के शेप में है। और उसको भी 6 लोग चलाते थे, आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं। और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी अंबानी इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए, सीईओज को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है, और 90% है ही नहीं कहीं। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी देख लीजिए। अच्छा, मैंने लिस्ट निकाली आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, हजारों लोग हैं उसमें, जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा ही मिलेगा। तो 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर जवानों के लिए स्कीम है। अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है। पहले अगर एक युवा आर्मी में जाता था, जवान बनता था, तो देश उसे कहता था कि देखिए, आपने देश को अपनी जिंदगी दी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको पेंशन देंगे, कैंटीन देंगे, और अगर आपको कुछ हुआ, अगर आप शहीद हुए, तो हम आपको कॉम्पेंसेशन और शहीद का दर्जा देंगे। यह कमिटमेंट था हिंदुस्तान की सरकार का, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हैं। अग्निवीर किया,
नाम बहुत सुंदर दिया अग्निवीर, मगर अग्निवीर की सच्चाई क्या है? आपने हिंदुस्तान के जवान से पेंशन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन ली, कैंटीन छीन ली और रिस्पेक्ट छीन ली, और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं लगेगा? आप सोचते हो कि उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये बात को समझ जाए? आप जाइए रिक्रूटमेंट सेंटर में, जाइए, सब खाली पड़े हुए, कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाए? दो तरीके के आपने जवान बना दिए हैं, एक को आप पेंशन दे रहे हो, शहीद का दर्जा दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी के साथ दूसरा जवान खड़ा है, उसका आपने नाम बदल दिया, उसको आपने अग्निवीर कह दिया, उसकी आपने पेंशन छीन ली, उसकी रिस्पेक्ट छीन ली, उसकी कैंटीन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन लिया, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो देखो भैया हम बड़े देशभक्त हैं। मगर यह बात समझ आती है लोगों को? पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब, एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है, सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कंपीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, उसको डी रिजर्वेशन कहना चाहिए, कि आपने उसको वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया और आपने रिजर्वेशन हटा दिया। तो अब सवाल उठता है कि सालों से आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रहे हैं और फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लड़ाई इसकी है, स्ट्रैटेजी ये है, मगर आगे क्या करना है? अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हां ठीक है मगर कैसे? एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की? तो दो तीन सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाने का, क्योंकि आबादी 90% है। और जब मैं हिंदुस्तान की सरकार को देखता हूं, जो हिंदुस्तान के पूरे बजट को चलाता है, 90 आईएएस ऑफिसर्स इसको चलाते हैं, हिंदुस्तान का के बजट का सारा पैसा 100% पैसा ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं, आपकी आबादी 50% कम से कम, 90 में से 3 आपके, दलितों की आबादी 15%, उनके भी 3, आदिवासियों की आबादी 8%, उनका 1। मगर उससे बात समझ नहीं आती, 90 और 3 में से बात समझ नहीं आती, बात फाइनेंस से जब बात होती है तब समझ आती है। आपकी आबादी 50% पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और हिंदुस्तान के बजट में अगर हिंदुस्तान 100 रुपए खर्च करता है तो 5 रुपए का डिसीजन ओबीसी अफसर लेते हैं। आबादी 50% और फाइनेंशियल डिसीजन 5%, दलित 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय वो लेते हैं, और आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं।
तो अगर आप 90% का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 90% हिंदुस्तान लेता है। छह रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से 90% डिसाइड करता है। तो दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं। आप जानते हो जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं, ये हमारा रेप्यूटेशन है। हमने कहा कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर में बंद होगा, खत्म होगी, कन्याकुमारी से कश्मीर गए। तो पहला स्टेप, ये जो फॉल्स सीलिंग आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है इसको हटाना है। और दूसरा स्टेप जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। आज कोई नहीं जानता, मैं कह रहा हूं 50% है, मगर लीगली कोई नहीं जानता। अगर आप मेरे पास आए और आपने कहा नहीं 10% है, तो लीगली आप भी सही हो, मैं भी सही। जाति जनगणना के बाद आप मुझे कह नहीं पाओगे कि भैया आप 10%, मैं कहूंगा नहीं भैया 10 नहीं 50 है। दूसरी बात, जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं हम सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं करते, हम इसमें दो और चीजें जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले किसकी कितनी आबादी, दूसरा इन अलग अलग वर्गों का हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी पकड़ है, इनके हाथ में कितना धन है, दलितों के हाथ में कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद जो मैं सोचता हूं उससे भी जरूरी, हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है, जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे हैं, मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, आईएएस ऑफिसर्स कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है। एक प्रकार से जैसे जब किसी को चोट लगती है हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ, अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे, नहीं करोगे ना, कहोगे चोट लगी है एक्सरे करानी। तो जाति जनगणना एक्सरे है हिंदुस्तान का, हमें हम उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे, हम पहले एक्सरे लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि चोट लगी है, हमें नहीं मालूम कि कॉम्पाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, क्या है। हम जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमें पता लग रहा है कि दर्द है, वो दिख रहा है सबको, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है, सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं करना कराना चाहते क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं, ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे
देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। और आप यह भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। और सच्ची राजनीति, 90% की जो राजनीति है, इन दो कदमों के बाद शुरू होगी, क्योंकि फिर हमें 21वीं सदी है, डेटा के बिना, इंफॉर्मेशन के बिना कुछ होता नहीं है। जाति जनगणना के बाद सारा का सारा इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे हाथ में होगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था कि बीजेपी और आरएसएस सारे के सारे रास्ते बंद कर रही है, हमें रास्ते खोलने हैं, इसको डिफेंड करना है, क्योंकि अगर यह छिन गया तो फिर सब गया। और यह सब लोग जानते हैं, आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको, 400 पार 400 पार मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया, वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता की का ज्ञान। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर यह चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे, ये कुछ भी कर लें ये नहीं जाएगा यहां से। और इसकी रक्षा करने के दो सबसे बड़े तरीके हैं, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए दो सबसे बड़े तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% की दीवार को तोड़ना। और तरीके भी हैं, मगर ये पहले दो कदम हैं। आप यहां आए, आपने डिस्कशन किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हो, जीते हो, मरते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी 90% की मदद करने के लिए, मैं वहां जैसे ही आप ऑर्डर दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि देश 90% के बिना चल नहीं सकता है, देश हुनर की रिस्पेक्ट करे बिना चल नहीं सकता है, खोखला है, और हमें खोखला देश नहीं चाहिए, हमें मजबूत देश चाहिए। और अगर हमें मजबूत देश चाहिए तो उसमें 90% लोगों की भागीदारी होनी ही पड़ेगी, और चॉइस ही नहीं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।